सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का कमेंट है गोजो, तो चलिए हम गोजो को ड्रॉ करते हैं। तो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप देखिए। सबसे पहले हम लाइट ब्राउन कलर लेंगे, क्योंकि जो स्किन में शेडिंग आ रही है, शेडो आ रही है, तो हमें उसके लिए लाइट ब्राउन ही यूज़ करना पड़ेगा। और हम इसे पेंसिल कलर और वाटर कलर से करने जा रहे हैं। तो अगर आप पेंसिल कलर करें तो पहले उसको शार्प कर लें, क्योंकि पेंसिल कलर फिर फटे नहीं, तो आप उसको शार्प कर लें। लाइट ब्राउन हो जाने के बाद हम करेंगे ग्रे कलर, जो कि हम आइस में कलर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर आइस में जो शेडिंग होती है वो ग्रे कलर की होती है। अब हम फेस पर कलरिंग करेंगे, तो पहले हम पीच कलर करते हैं, जो कि हमने पहले लाइट ब्राउन किया था, तो हमें उसी के ऊपर पीच कलर को कर देना है, ताकि वो मिक्स हो जाए और थोड़ा बहुत ऐसा लगे कि शेडिंग आ रही है और हेयर थोड़े ऊपर को दिखाई दे। फेस कलर कंप्लीट हो जाने के बाद हमें थोड़ा सा और शेडिंग देनी पड़ेगी, तो हम ग्रे कलर से दे रहे हैं। जो पेंसिल कलर में हमारा ग्रे कलर आता है, हमें उससे शेडिंग को दे देना है। और हेयर्स में भी हमें ग्रे कलर करना है, क्योंकि पहले तो उसके पिंक कलर थे, बट जब गोजो की और तोजी की लड़ाई हुई थी, तो तब गोजो डेविल बन गया था, मतलब उसने अपनी शक्ति से अपने आप को जीवित किया था, तो उसके बाल थोड़े से वाइट हो गए थे, तो वो ग्रे कलर की शेडिंग आ रही है। अब हम थोड़ा सा वाइट कलर से ब्लेंड कर देंगे, क्योंकि जो कलर रहता है वो थोड़ा बहुत ब्लर हो रहा था, तो हमें उसको पेंसिल कलर से, वाइट पेंसिल कलर से ब्लेंड कर देना है, क्योंकि पेंसिल कलर वाइट हुए जो वो ब्लेंड करने के काम ही आती है। अब हम जो गोजो के हेयर्स में ब्लड लगा है, हम उसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम डार्क ब्राउन को ले रहे हैं, फिर उसके ऊपर हम रेड पेंसिल कलर का यूज़ करेंगे, और ये ब्लड तोजी ने जो तलवार मारी थी उससे ही इसका ब्लड निकला था। तलवार शायद से गर्दन में लगी हुई थी, बट ब्लड बहुत बह चुका था, तो वो हेयर्स में भी लग गया। और अब हम क्लोथ्स में करेंगे, तो जो टी शर्ट है, शर्ट ही होगी शायद से, तो उस पर हमें ग्रे कलर कर देना है, और जो ऊपर जो कोट पहने हुए हैं उस पर हम वाटर कलर करेंगे। तो मैं कैसे कर रहा हूँ वो आप देखिए। कोट के लिए हम थोड़ा सा वाइट और थोड़ा सा ब्लैक लेंगे, क्योंकि कोट थोड़ा बहुत ग्रे कलर का ही है, तो हमें उस पर कलरिंग कर देनी है।
ग्रे कलर कंप्लीट हो जाने के बाद हम ब्रश को थोड़ा सा पानी में भिगोएंगे और फिर हम जो वाइटनेस दिखाई दे रही है हमें उस पर कर देना है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी बहुत कम ही कलर था जो ग्रे कलर में होता है, तो लाइटली कलर था। तो हम वहाँ पर पानी से मिलाकर और ब्रश को बिल्कुल गीला करके और फिर हम उसको कर देंगे और सूखने के बाद वो बिल्कुल वैसा ही कलर मर्ज हो जाएगा। As a piece of amber, give me a breath like the fire you'll soon remember. तो फाइनली हमारे गोजो का टास्क भी कंप्लीट होता है। अगर आपको भी किसी एनाइम कैरेक्टर का ड्रॉ करवाना है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। Don't mind if I do.